विशाल सिंह ने आज अपनी रिपोर्ट दी है। इसके पहले अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट कल देर शाम ही कोर्ट को सौंप दी थी। अजय मिश्रा से जब मैंने बातचीत की तो उनकी ओर से किस तरह से ज्ञानवापी के भीतर मंदिर को लेकर सबूत देश के सामने रखने की गई कोशिश, कैसे उन्होंने कहा कि भीतर तो स्वास्थ्य के चिन्ह हैं, भीतर शेषनाग के दर्शन हो जाएंगे, भीतर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं और भीतर नीचे से जब आप गुंबद को ऊपर देखेंगे तो आपको मंदिर के निशान साफ साफ दिखाई देंगे। सबको इंतजार था इस पल का, सबको मतलब सबको, कि कब पेश हो ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट और कब रिपोर्ट में लिखी हुई बातें सामने आ जाएं। तो कुछ सूत्रों के हवालों से, कुछ बयानों के दरीचों से छन कर सामने आया है कि कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या फरमाया है। तो सुनिए, कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट को बताया है कि ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं मिलॉर्ड, जो खुद गवाही देते हैं कि ज्ञानवापी का नाता तो सनातनियों से है। तो सबूत नंबर एक, शिवलिंग। ये वही शिवलिंग हो सकता है जिसको लेकर हंगामा बरपा है और जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है। और एग्जैक्टली मैंने यही चीज देखी है, मैंने भी एग्जैक्टली यही चीज देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको खंडित किया गया है, पर हाँ ये वीडियो जो है मैंने यही चीज देखी है और इस वजूखाने के पीछे से एक रास्ता जा रहा है इसके नीचे तक, तो अब उसको खुलवाने की मांग होगी कि उसको खोला जाए और देखा जाए कि शिवलिंग कितनी। कहा गया कि ये 12 फीट और कुछ बताया जा रहा है, कितना है आप लोगों क्या जाने? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये करीब 2.5 से 3 फुट ऊंचा होगा और इसका 4 फीट का डाया है, 4 फीट का डाया है और करीब 2.5 से 3 फुट ऊंचा होगा। तो अभी और नीचे कितना जा रहा है ये तो जब नीचे की दीवार खुलेगी तब पता चलेगा। पुरानी जितनी मस्जिदें हैं उसमें हौज होता है वजू करने के लिए, उसमें फव्वारे आज भी आपको बहुत सी मस्जिदों में नजर आएंगे, तो फव्वारा है। अब फव्वारे को शिवलिंग कह देना, ये कहाँ से, ये अकल में भी बात नहीं समाती और हकीकत भी ऐसी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपके सामने ला सकता हूँ जिन्होंने फव्वारा चलते हुए देखा है और इस्तेमाली हालत में। अब ये इधर कुछ दिनों से वो पाइप उसके ख़राब होने की वजह से वो निकल गया और इधर उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, तो ये फव्वारा है। सबूत नंबर दो, खंडित मूर्तियां। सर्वे के मुताबिक मालूम चला है कि ज्ञानवापी के भीतर खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष साबित करते हैं कि कभी यहाँ मंदिर रहा होगा। सबूत नंबर तीन, देवताओं की कलाकृतियां। दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों के मिलने की बात भी सर्वे में कही गई है। यही बात 4-6 रोज पहले वीडियोग्राफर विभाष दुबे ने भी बताई थी। कमल देखा और फूलों की लड़ियां देखी जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। घंटा किस तरफ, श्रृंगार कौली स्थल की तरफ है या मस्जिद की तरफ? मस्जिद की दीवार पे, मतलब जहाँ पे पश्चिम वाली दीवार पे। सबूत नंबर 4, कमल की कलाकृति। सर्वे के मुताबिक ज्ञानवापी के भीतर की दीवारों पर कमल की कलाकृति मिली है। ये बात भी विभाष दुबे ने आज तक के कैमरे पर बताई थी। जो माला की लड़ियां बनी हुई थी तोरण द्वार के, ऐसा महसूस होता था जैसे तोरण द्वार पे जो चीजें कटिंग बनी होती है वो सारी चीजें वहां दिख रही थी। इवन यही नहीं, जो शिलापट वहां रखे गए थे उसके नीचे वाले भाग में भी कुछ चीजें ऐसी समझ में आई कि वहां पे भी कुछ बना हुआ है। शिलापट किसका, मस्जिद के एरिया में या श्रृंगार गौरी के? श्रृंगार गौरी वाले एरिया में। क्या दिखा आपको उसमें? जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं। सबूत नंबर 5, शेषनाग की कलाकृति। सर्वे करने गए लोगों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी के भीतर शेषनाग की कलाकृति है। हालांकि शेषनाग भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर ही विश्राम करते हैं और भगवान शंकर के गले में शेषनाग के छोटे भाई वासुकी लिपटे रहते हैं, मगर रिपोर्ट में शेषनाग ही कहा गया है।
कृति पड़ी हुई थी जो कि शेषनाग का अवशेष टाइप की दिखाई दे रही थी, जो ऐसे फन टाइप के उससे तीन चार बने हुए थे जिसकी वीडियोग्राफी हुई है। यानी ये जो श्रृंगार गौरी है उसके पहले ये टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ था जो लग रहा था कि शेषनाग का अवशेष होगा, ये ऊपर का फन टाइप का टूटा हुआ है। जी ठीक है। सबूत नंबर 6, नागफनी की आकृति। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया है कि दीवारों पर नागफनी की आकृति भी मिली है। आपको बता दें कि नागफनी के फूल से शिव की पूजा की जाती है, इसीलिए शिव मंदिरों में अक्सर नागफनी के पौधे लगाए जाते हैं और शिव मंदिरों की दीवारों पर नागफनी के दृश्य उकेरे जाते हैं। सबूत नंबर 7, मंदिर का मलबा। जानकारी के मुताबिक भीतर मंदिर का मलबा भी मिला हुआ है। सबूत नंबर 8, दीवार में ताखा। मंदिरों में अक्सर ताखा बनाए जाते हैं जिसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है, इसे अरवा, आला, ताखा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सबूत नंबर 9, दिए का सबूत। जानकारी के मुताबिक सर्वे की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि भीतर दिए जलाए जाते थे, ऐसे सबूत मिले हैं। सबूत नंबर 10, दीवारों में सनातन संस्कृति के निशान। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे निशान मिले हैं जिनसे कहा जा सकता है कि इस जगह का सनातन संस्कृति से जुड़ाव रहा है। ये नक्शे के अनुसार दर्शाई गई हैं, वो वीडियो के स्किल ड्राफ्टमैन थे, उनके द्वारा पूरे पूरे परिसर की ड्राफ्टिंग की गई है, नक्शा बनाया गया है, वो भी उसके साथ रिपोर्ट के साथ अटैच करके फाइल की गई। अब रिपोर्ट जज साहब के पास है, उम्मीद कीजिए कि कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर जब फैसला देगी तो ज्ञानवापी का सच सामने आ सकेगा। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है और उसकी बड़ी बातें क्या हैं, आज तक ने लगातार सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने वो बातें रखी। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, हिंदू पक्ष ने इसी मामले से जुड़े हुए एक पक्ष में अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए एक दिन की मोहलत मांगी। कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में इसी मुस्लिम पक्ष के की बातों को लेकर वहां पर सुनवाई होनी है, जबकि दूसरे पक्ष की बात करें तो वाराणसी में अब सोमवार तक के लिए पूरे मामले को टाल दिया गया और सोमवार को ही जो एप्लीकेशन यहां पर दायर की गई थी अलग अलग पक्षों की ओर से, उस पर होगी बड़ी सुनवाई। दिल्ली से काशी तक ज्ञानव्यापी पर जारी कानूनी जंग एक दिन के लिए थम गई है। सुनवाई रोकने का फरमान सुप्रीम कोर्ट से आया और वाराणसी तक कोर्ट की कार्रवाई थम गई। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मोहलत मांगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं हिंदू पक्ष की अपील पर ही उसने वाराणसी में जारी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में कल आगे की सुनवाई होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा तो मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सुनवाई में देरी का तुरंत विरोध किया। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अस्पताल में हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है जहां वजू खाने की दीवार तोड़ने की याचिका पर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने कहा ऐसे ही कई मामले देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा उन्हें खराब सेहत के आधार पर सुनवाई स्थगित किए जाने से ऐतराज नहीं है, लेकिन हलफनामा दिया जाना चाहिए कि श्रद्धालुओं की याचिका पर सिविल कोर्ट की सुनवाई आगे न बढ़े। इसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने कोर्ट को आश्वस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि शुक्रवार तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अब सर्वे की जो रिपोर्ट आई है विशाल सिंह साहब की, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कि वो कोर्ट के सामने आने के लिए कल 3 बजे तक। कल देखिए सुप्रीम, ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट साथ में प्रोसीड करे, साथ में प्रोसीड करे। इसीलिए इन ऑल फेयरनेस मैंने सुप्रीम कोर्ट सामने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रायल कोर्ट में जो हमारे वकील हैं वो कल तक के लिए इस मामले की सुनवाई में प्रोसीड नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, और कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी और फैसला आ जाएगा उसके बाद ट्रायल कोर्ट आगे प्रोसीड करेगा। इससे पहले 17 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी प्रशासन को निर्देश दिया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में वजू खाने पर जहां शिवलिंग का दावा है वहां सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, वजू खाना सील किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिलहाल ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सर्वे से जुड़ी 2 रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। ज्ञानव्यापी के अलावा मथुरा ईदगाह मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका मंजूर की जा चुकी है।
देश के कई और मस्जिदों को लेकर इस तरह के दावे सामने आ चुके हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का ज्ञानव्यापी जैसे तमाम मामलों के लिए बेहद अहम है। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।